और हम दिन प्रतिदिन बुड्ढे होते जा रहे, राइट? हम नहीं, तुम। ओके। हमने बनाए हैं ब्रेड पकौड़े हमारे लंच के लिए, चाय टाइम के लिए। बेसन है एंड एक पकौड़ा अंदर है, एक रेडी हो गया। सिर्फ तीन ही बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि हिम्मत एक ही खाएगा एंड एक ही मैं खाऊंगी एंड एक हस्बैंड खा लेंगे। सो एक हस्बैंड खा लेंगे एंड समय हुआ है अराउंड 11। आई एम हैविंग माय चाय। अचानक से प्लान बन गया है पिकनिक का, पकौड़े बना लिया मैंने, क्योंकि कल मैंने आलू के परांठे बनाए थे तो वो आलू बचे हुए थे, तो मैंने उसी से पकौड़े बना लिए हैं। एंड पालक के एंड आलू के हिम्मत के लिए सिंपल से बिना मिर्ची वाले, एंड आलू फिर भी बच गए तो मैंने उसके बना लिए हैं बटाटा वड़ा। एंड हम चाय ले लेंगे कहीं से स्टीप टी, उसके लिए मैंने टी बैग भी ले लिया है, वैसे हम वहाँ से भी ले सकते हैं। एंड और हिम्मत का मैंने पास्ता बनाया है। एंड अब हम जाने वाले हैं पिकनिक के लिए। हमने अभी जगह डिसाइड नहीं किया है, पर कहीं पर भी जाओ अच्छी लोकेशंस ही हैं। ये कैलगरी है, हर तरफ खूबसूरत माउंटेन्स, नॉट हर तरफ, वन साइड। सो हम लोग जाने वाले हैं जल्दी से। एंड आज मैंने मेरे लिए एक किताब भी ले ली है पढ़ने के लिए। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, पर मुझे ज़रूरत है इसकी दोबारा से, सो दोबारा पढ़ेंगे। सो ऑल रेडी, लेट्स गो। आज बहुत मज़ा आने वाला है, होपफुली। मैं सोच के जाने वाली हूँ कि आज हम मज़ा करेंगे, मज़ा करेंगे, सोचेंगे तो हो जाएगा, राइट? सो लेट्स गो। गैस बांधा, पकौड़े बना के, और गैस जल्दी छोड़ दे। यार मैं ना थोड़ा शक्की किस्म का बंदा हूँ, मैंने ना पूरा श्योर करना होता है कि सच्ची बंद है, सच्ची बंद है। पता नहीं कितनी बार देखना पड़ता है मुझे। So yeah, सच्ची बंद है। We are going for a picnic, but I'm a teeny bit hungry, so I'm gonna start with KFC. So Hima got chicken popcorns and fries. And is he happy? How happy you are? How sad or how happy? 60% happy or 80? 80. Why? Because I like you. The sky is changing from indigo into blue, and I am changing too. For the first and the last time, the earth is trembling, and I am trembling too. It makes me feel alive, it's the only thing I know. There's a winding road behind me, a straight path ahead. Will you come with me to the water? Guess what I'm saying? Yes. Only option, MM. Mama? Who's smarter? Me? Mimi, I can't choose if you give me only one option. No, listen. In 400 meters, Mama, who's smarter? Me, you or Daddy? Only option, MM. I know you're gonna make it, Mimi Manor. I know all your brains. Just do it. No. It's mommy. You or me? You or me? MM or Emmy? Me. So what are you doing now? Okay, दोस्तों हम कैनमोर पहुंच चुके हैं। हस्बैंड ने वही फालतू काम कर रहे थे, पर आज ना मज़ेदार व्यू नहीं है क्योंकि धुंधा धुंध नहीं मतलब फॉगी है। Look at the three sisters mountain. So हम जा रहे हैं टिम हॉर्टन चाय का बंदोबस्त करने के लिए, उसके बाद हम खाएंगे ब्रेड पकौड़े। निन 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 इतनी दूर आके ब्रेड पकौड़ा खाती है तू? क्या तू औरत है, क्या करेगी तू? क्या करेगी लाने तो नो अन्य पहाड़ा चे ब्रेड पकौड़ा मिल जाए, और क्या चाहिए? मुझे चाहिए लेटस, रब का कर लेटस, लेटस चाहिए। पकौड़ा कौन खाता है प्यारी? पकौड़े नु हाथ ना ला दियो, मुंह लगा दो, चक ना लेगी ते पकौड़ा। इन्नी मेरी पकौड़े दी बेइज्जती कर खाऊंगी पर। सो मैंने लादा कि टिम हॉर्टन्स ये सेवन फूड्स के अंदर, सो मैंने ऑर्डर किया मेरे लिए स्वीट टी, पर वो फ्रेश ब्रू हो रही है तो टाइम लगेगा। सो हस्बैंड एंड मैं चले गए वाशरूम, एंड यहाँ से माउंटेन्स का व्यू है, पर फॉर सम रीज़न थोड़ी सी स्मॉग है, दिखाई नहीं दे रहा है पहाड़ चंगी तरह, पर कितने खूबसूरत है ना। सो ये है कैनमोर बाय द वे। तो हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही प्यारा सा एरिया है, लेक कैनमोर से 5 मिनट साइड पे है। हमने हमारे लिए चाय ले ली है, एंड अभी इसमें मैं टी बैग डाल लूँगी चाय वाले, एंड हम बना लेंगे देसी चाय एंड पकौड़े खाएंगे। हम वो ना डू सेटअप, एंड मैं ना
चटनी भी लेके आए And my mom packed me pasta. Yes. So, tea bags, masala. Yummy. Mama, you could put like something in here. पकौड़े थोड़े ज़्यादा ही हैं। बंदे का आटा। तेरा एक बंदा ही लखनऊ का है। देखो। वेखदे पे पकौड़े। थोड़े वेखदे पे यार। सारी दुनिया में देखे हैं ना बंद कर बंद कर। चलो आ जाओ। तो हस्बैंड को वड़ा पाव बना दिया बिना पाव के क्रूसॉन पाव। बढ़िया वड़ा पाव। इतने अलग ना पाव। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਗਾਹ ਵਾਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਿਨਾ ਸਾਹ ਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ सो पकौड़े खा लिए हमने मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा खा पाऊँगी पर फॉर सम रीज़न मैं बहुत ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ आजकल थोड़े ही खा पाई एक की ब्रेड पकौड़ा खा पाई एक नहीं मतलब आधा एंड चाय पी ली है एंड हॉर्न ने सुस्ती आ रही है सोने के लिए मन कर रहा है और हिम्मत पानी में जा जा के थक गया लाइक उसे ठंड लग रही है अब एंड दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम है एंड ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है टेम्परेचर अराउंड 30 है पर बहुत सोना बहुत मज़ेदार एंड हमें ये बहुत अच्छा प्लेस भी मिल गया बैठने के लिए सो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं उसके बाद मैं पढ़ने वाली हूँ मेरी किताब एंड सोने माहौल से ये जो बुक है 2 साल पहले पढ़ी थी मैंने एंड मैंने बिल्कुल भूल चुकी है दिमाग देखो साडा कैसा है जो चीज़ को याद रखना होता है वही रखता है फालतू इन्फॉर्मेशन काट देता है कई बार वो फालतू इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट भी होती है सो या वो करेंगे एंड हिम्मत तो पानी के पास प्ले कर रहा है पानी से मन लगा डालना क्योंकि पानी ठंडा है पानी ठंडा बहु सही इन्ने कम कांबे के चढ़ गए इनू कंपनी की छड़ गई इनू ओके अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बताती हूँ ये जो ज्वेलरी मैंने पहनी है ये मेरी खुद की ज्वेलरी है 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड इसको ख़रीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एवरीडे वाले पीसेज हैं मेरे पास ये जो आज मैंने पहना है ये है लिव नेकलेस इस पर दिल है बहुत प्यारा सा एंड ये जो है ये चेन है सापा वाली इसका नाम है लुइजा सरपिन चेन सो या अगर आप ये ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से खरीदें क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे एंड रीजनेबल प्राइस पे आपको मिलेगी वैसे बहुत सारे पीसेस सोल्ड आउट होने ही वाले हैं आई डोंट नो आपके हाथ लगेंगे या नहीं सो देर मत करें जल्दी से ले लें ओके ठीक है करें चलिए एक्सप्लोर ओके हस्बैंड एंड हिम्मत एक्सप्लोर करने ही जा रहे हैं ओके नहीं क्रिकेट खेलने लगे हैं इस साइड वाला व्यू मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि पहाड़ दिखने को लिए मिल रहे हैं काफ़ी सारे पहाड़ों की लड़ी है एंड इस साइड पे ये पेड़ों की वजह से छुप गया है आगे बैठना पड़ेगा पर आगे टॉप है सो यहीं पे बैठते हैं हिम्मत एंड हस्बैंड को देख लेंगे वो क्रिकेट खेलना शुरू करने वाले हैं खुद को मुझे
सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया बात देखी नजरों की सच कह रहा तेरी कसम तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज तुम गुलाम रह सकोगे वो अंदाज गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों मैं तुम्हारे ये दिल की तो आवाज ये आ गया ही सफा चट कर गया है सब कुछ चमकदार क्लीन जैसे कभी कुछ खाया ही नहीं सो वीक डे है आज मैंने लगा वेनसडे आज ये थर्सडे सो वेनसडे बट फिर भी अच्छी क्राउड है पर मुझे लग रहा है कि वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होगा यदि लोकेशन की है एग्जैक्ट की बोल दे अनु चढ़े तू ही पानी से क्यों चले गए देखा की देखा पानी कितना डूंगा है वेखा की वेखेंगे उन्हें टी-शर्ट नहीं पाई और लागे था सो ये है कैनमोर टाउन ये ब्रिज है यहाँ पे पानी है दोनों जने शरारता कर रहे हैं उल्टे काम जो उल्टे काम होते हैं वो ये करते हैं दोनों मेरे को बहुत अच्छा लगता है पानी से प्ले करना पानी काफी ज्यादा ठंडा है बहुत ना करो तो शॉर्ट्स भी गिले हो या नहीं आ जाओ यार विंडो शॉपिंग करिए थोड़ी आ जाओ सो इस तरफ काफ़ी क्यूट सी दुकान है वहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ पर हस्बैंड लाके नहीं जाते उन्हें पता है कि विंडो शॉपिंग करते करते रियल शॉपिंग हो ही जाती है ये जो नेचर की वॉक थी हस्बैंड बहुत जरूरी लगन दी वो कर लिए हमने एंड एक दो पिक्चर्स भी क्लिक की हैं पिक्चर्स क्लिक करने लिए ना ये दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं जब हस्बैंड राजी होते हैं तो हिम्मत नहीं वधिया खिंचदा जो हिम्मत वधिया खिंचदा हस्बैंड एटीट्यूड शो करते रहते एंड ऑफ स्टोरी एक दो लड़ लुड़ के ले लिया क्यों नहीं फोटो खिंचाते आप लोग इन्हें करके नहीं खिंचाते ओल्ड स्कूल स्टाइल दा ओल्ड स्कूल है चलो तुम पाइए स्कूल दोबारा बा ये पिक्चर इज़ अ मेमोरी मैनू कोई लाइक बहुत अच्छी मज़ेदार पिक्चर नहीं चाहिए मुझे होता है कि ये मेमोरी है जब हम पीछे जाके देखते ना बड़ा मज़ा आता आंदा है ना मज़ा बढ़ता है हीरो गिरी करते रहते मौका खुस जाता है फिर कहते टू लाइट कल जाके खिंच लेंगे ओके सो ये सब हम लोगों को बढ़िया लगती है यार पता कुछ समय पहले तक मुझे पिक्चर्स इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी वैसे ये पपराजियों से तंग आया था नहीं ये जो कंटेंट क्रिएशन है पिक्चर्स ये मेरा काम है पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं क्लिक करती पर जब मैंने देखा कि मेमोरी लेन में जाके कितनी सोहनिया लग गया कितना मज़ा आता है और हम दिन प्रतिदिन बुढ़े होते जा रहे राइट हम नहीं तुम ओके मैं बुढ़ा हो रही हूँ तो फिर मिस करेंगे हम ये अपने यंग डेज को इसलिए मुझे होता है कि एक दो पिक्चर जरूर होनी चाहिए एंड मेरा कम होने के बावजूद भी मैं पिक्चर्स नहीं क्लिक करती इसलिए मैंने एक अद्धी पिक्चर क्लिक करनी होती है पर नहीं ये दोनों जाने हीरो गिरी बड़ी दिखाई दे आई थिंक वी शुड ईट सम आइसक्रीम्स लेट्स डू दैट यू सेड यू बाय मी When Liv was saying, can you have it? But are you saying we can get it not from, but not from here? Yeah, we'll get one day maybe. Oh,
चुकी है आइसक्रीम की दुकान जिथे बहुत रश नहीं था। वैसे इस टाउन में बहुत रश है ही नहीं। मुझे लग रहा है कि बैंफ के मुकाबले हमेशा यहाँ पे कम ही रहता होगा। वीकडे है पर फिर भी वीकडे के हिसाब से काफी दुनिया है। आज एक जड़े तो डॉगी नुस्ट्रे के आंडे ही। सो हिम्मत ने लिया है फ्लेवर। विच फ्लेवर यू गॉट? व्हाट? पते नहीं, लिया है फ्लेवर मैंगो। मैंगो मैंगो लग रहा है। सो हस्बैंड ने लिया है मैंगो एंड हस्बैंड मैंगो के बहुत बड़े फैन है। जहाँ पे मैंगो आ जाता है वो कहने की मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, मैं खाना ही खाना है। क्या सड़क दे लतड़ा लग पेंदा? चिक्कड़ में लंबे पै जाते हैं तो कहना पागल है, बुद्धू है। यस, बुद्धू ही है। आइसक्रीम खाएंगे हम। हस्बैंड को वैसे मेल्ट हुई अच्छी लगती है, लाइक मिल्क शेक ही बना लेते हैं आइसक्रीम का। आइसक्रीम का असली मतलब रहने ही नहीं देते। तो काफ़ी बच्चा पार्टी निकल रही है आइसक्रीम लगे। यार ये तेरे तो PhD हो चुकी है, बुग्गी है एक नंबर दी। माना जी अपनी शॉर्ट्स वार के कलर दी आइसक्रीम लगे आ गई है मेरे वर्गी बबल गम। हम लोग जो भी कर सकते थे कैनमोर में हमने कर लिया। विंडो शॉपिंग। सो गाइस इट्स बीन सच अ लॉन्ग डे। वेल नाउ इट्स टाइम टू गो होम, राइट मामा मैनर? यस। वेल गाइस आई एम गोना टेक अ नैप बिकॉज़ आई एम टू टायर्ड। ओके डन। No, it's my time to speak. लिया वॉक कर ली, विंडो शॉपिंग कर ली, आइसक्रीम खा ली एंड और कुछ खाने के लिए हमारे पेट में जगह नहीं है। हमने कोशिश की कि कुछ खा लें पर मैं नहीं खा सकती हूँ। पकौड़े अभी भी अथे तक हैं। सो हम जाने वाले हैं घर। समय हो गया 7। सो धीरे धीरे घर की तरफ रवाना होते हैं। What you say, daddy? पति हैव सम अदर प्लान्स मे बी। ओके सो हिम्मत कुछ कहना चाहेगा आपको। What? So now we're going home and I guess. दोस्तों ये एप्रन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मेरे अमेजोन स्टोर फ्रंट पे है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ें मेरे घर में मैं यूज़ करती हूँ बहुत प्यारी प्यारी सी, उन सबको मैंने उसमें हिस्सों में बांट दिया है ताकि आपको आसानी से चीज़ें मिल पाए। सो ज़रूर से देखें उसको। क्वेश्चन पूछते हैं आप ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, सब कुछ वहीं से। प्यारे तो डिश वॉशर नहीं हम की तरह। The sky is changing from indigo into blue, and I am changing too for the first and the last time. The earth is trembling and I am trembling too. It makes me feel alive. It's the only thing I know. There's a winding road behind me, a straight path ahead. Will you come with me to the water's edge? We'll sink into the shoreline and slowly disappear into it all, as it always was, as it really is. सो आई थिंक आई एम डन। आज बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ डिशेस क्लीन कर दिए हैं एंड काउंटर्स एंड काउंटर्स को थोड़ा सा सॉर्ट कर दिया है। अब समय हुआ है 9:13 और हम जाएंगे थोड़ा सा 2-3 चक्कर लगाएंगे अपने घर के आसपास, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लेट खाया ना, वैसे हमने लेफ्ट ओवर थोड़े से पकौड़े खा लिए 2-3, ज़्यादा भूख नहीं थी हमें। सो अब थोड़ा सा इसको पचा लेते हैं, हाज मुला खा लेंगे ताकि सोने से पहले तक पेट थोड़ा हल्का हो जाए। मैं और हिम्मत थोड़ा लेट ही सोते हैं क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। मैं और हिम्मत सोने के लिए जाएंगे अराउंड 11:30, तब तक हो जाएगा थल्ले।
पर बाहर अराउंड 300-400 कैलोरीज लूज करके आते हैं। सो इस तरह आज हमारा दिन निकला, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा था, बहुत मज़ा आया हमने आज। मैंने ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली इन्जॉय करने की कोशिश की एंड इन्जॉय किया एंड बहुत प्यारा मौसम था, बहुत अच्छी ब्रीज थी। बस बुरा ये था कि जो ये स्मोक की वजह से ना पहाड़ बहुत क्लियर नहीं दिख रहे थे, जो कि बहुत मज़ेदार नहीं था, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने प्लान किया था कि हम लेट नाइट तक आ जाएंगे, अगर हमारा डिनर करने के लिए मन करता हम बैंफ चले जाते, पर हमारा डिनर करने के लिए मन ही नहीं किया तो बैंफ गए नहीं, हम घर पहुँच गए 8:30 बजे। सो इस तरह हमारा प्यारा सा दिन हो चुका है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर से करना कि आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। एंड मुझे लगता है कि आपको सम डेज़ अपनी फैमिली के साथ कॉन्शियसली पिकनिक मनाने के लिए जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप कनाडा में रहते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय होता है जब अच्छा मौसम है, अच्छे मौसम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करें। सो अगर ये ज्वेलरी ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये प्यारा सा दिल वाला नेकलेस है लिव, एंड ये प्यारी सी हुप्स हैं, माया हुप्स, कितनी प्यारी है ना, एंड 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, टार्निश प्रूफ, वाटर प्रूफ। आपको ये चाहिए आपकी ज़िंदगी में, ये वाली हुप्स मैं बहुत सालों से पहन रही हूँ। बहुत सारे लोग पूछा करते थे ये कहाँ से लिए तुमने, मैं बता नहीं पा रही थी, पर देखे अभी भी वैसी की वैसी हैं। सो ज़रूर से ख़रीदें, एंड अगर आप मेरे घर में यूज़ करने वाली चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं वो उसका लिंक भी नीचे है अमेज़ॉन स्टोर का। एक और बात बताना चाहती थी, भूल गई मैं। मुझे लगता है कि अराउंड 2 वीक पहले से मैंने स्किन केयर में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। अर्लियर मैं ऑर्डनरी एंड इंकी के प्रोडक्ट यूज़ करती थी जो कि मुझे हेल्प कर रहे थे, पर मुझे पता चल गया कि मेरी स्किन के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। हार्श चीज़ें मैं मेरे चेहरे पे बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ हाइड्रेशन वाली बहुत ही जेंटल सी चीज़ें। सो कोरियन कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा जेंटल एंड हाइड्रेटिंग है आपकी स्किन के लिए, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है। अर्लियर भी मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने 6-7 नए प्रोडक्ट्स अपनी स्किन केयर में शामिल किए हैं जो लाइक मोर देन वीक हो चुका है, अराउंड 2 वीक्स हो गए हैं, एंड मुझे मेरी स्किन में काफ़ी सारे डिफरेंस पता चल रहे हैं। और मुझे लाइक 5-6 हफ्ते मैं यूज़ करूँगी एंड देन मैं अपनी स्किन केयर की वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लोगों की हेल्प होगी, क्योंकि मेरी स्किन वैसे तो क्लियर हो चुकी है, कोई एक्ने की या पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे रेगुलरली, हेयर देयर एक कदर जिट आ जाता है, बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्कार्स की, बहुत बुरे एंड अनोइंग एंड अगली स्कार्स हैं मेरे चेहरे पे जो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहे हैं इस स्किन केयर की वजह से, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। होपफुली अगर ये अच्छा काम करेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा स्किन केयर रूटीन, दैट्स इट, ताकि आपकी भी मदद हो पाए, आपके चेहरे पे स्कार्स हैं थोड़े मिट पाए। बिकॉज जब ये स्कार आपके चेहरे पे आ जाते हैं, ये हाइपरपिगमेंटेशन मेलास्मा है, वो जाने का नाम ही नहीं लेता है, जाता ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए लाइट हो जाता है पर फिर से वैसा ही हो जाता है जब आप सन में जाएं, पर ये वाला जो स्किन केयर काफ़ी मदद कर रहा है। सो दैट्स इट, ये था इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट माई लाइफ, दैट्स इट। सोने ने चुमकी की तरह चमक दिया इससे ना। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइस अ ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय, लालू। ओ एक